साथियों वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के संदर्भ में टेंडर वोट या चैलेंजिंग वोट क्या होती हैं, यह मतदान अभिकर्ताओं मतदान कर्मियों को प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय या तृतीय या पीठासीन अधिकारी को अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि टेंडर वोट आखिरकार क्या होते हैं और चैलेंजिंग वोट क्या होता है। तो साथियों इसको इस वीडियो के माध्यम से अभी जानेंगे कि निविदत्त मतपत्र और अभ्याक्षेपित मतपत्र क्या होते हैं, इसको आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों देखते हैं चैलेंज वोट क्या है या अभ्याक्षेपित वोट। मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा सामने खड़े मतदाता से संबंधित निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कोई भी प्रत्याशी या अभिकर्ता उस मतदाता के पहचान के संबंध में आपत्ति करने पर इसकी जांच पीठासीन अधिकारी करेंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया चलती रहे। किसी मतदाता के पहचान की आपत्ति तभी स्वीकार होगी जब आपत्तिकर्ता पीठासीन अधिकारी को ₹5 नगद जमा करेंगे और पीठासीन अधिकारी द्वारा इसकी रसीद प्रपत्र 28/9 पर दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से जांच की जाएगी। यदि मतदाता गलत पाया जाता है तो उसके आपत्ति को सही मानते हुए प्रपत्र 27/8 को भरेंगे और मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर देंगे। आपत्तिकर्ता को ₹5 वापस करके दी गई रसीद को ले लेंगे। यदि मतदाता सही है तो इस दशा में ₹5 जब्त करते हुए प्रपत्र 29/10 को भरेंगे और मतदाता को अन्य मतदाताओं की भांति मतदान की अनुमति देंगे। यह साथियों चैलेंजिंग या अभ्याक्षेपित मत या वोट कहलाता है। और इसके बाद टेंडर वोट किसे कहते हैं, निविदत्त मतपत्र भी टेंडर वोट को कहा जाता है। तो साथियों टेंडर वोट के बारे में देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से यह प्राप्त हो कि उनका मत पहले ही पड़ चुका है, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से जांच कर लें और संतुष्ट हो जाएं कि यह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा, परंतु उसके मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसे मतदाता का विवरण निविदत्त मतों की सूची प्रपत्र 30/11 को भरने के पश्चात अमिट स्याही लगाने के बाद मतपत्रों की अंतिम गड्डी में से आखिरी मतपत्र उस मतदाता को मतदान हेतु देंगे। मतदाता मतदान कक्ष में जाकर मतपत्र पर अपना मत अंकित करके पीठासीन अधिकारी को देगा। यह मतपत्र मतपेटी में नहीं डाला जाएगा, बल्कि इसे अलग लिफाफे निविदत्त लिफाफे में रखा जाएगा। इस निविदत्त लिफाफे को सील करके प्रपत्रों के साथ संग्रहण स्थल पर जमा करेंगे। यह साथियों टेंडर वोट था। और यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, ये पसंद आया हो, तो वीडियो के अंत में लाइक करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी साथियों को शेयर करें।